few moments later. Hello everyone, welcome to my new blog. और मैं यहाँ आ चुकी हूँ रूबी दी के घर, और शादी कल है और आज है बीद, और मेरी मामी सास की बेटी का शादी है, तो हम लोग खूब इंजॉय करेंगे. हम लोग सारे फैमिली आ चुके हैं, देख सकते हैं पूरे फुल. और आप लोग ब्लॉग को जरूर एंड तक देखिएगा, बहुत फुल मस्ती होने वाला है ना, सबको बोलिए. और यहाँ हम लोग सभी रेडी हो चुके थे और बाहर में वेट कर रहे थे गाड़ी आने का कि आएगा और हम लोग सभी जाएंगे बैठ के. और यहाँ हम लोग की कार आ चुकी थी और हम लोग सभी कोई बैठ चुके थे और हम लोग अब जा रहे हैं फ्रेंड्स. और यहाँ जाते के साथ सबको खाना खिलाया जा रहा था, क्योंकि मतलब जहाँ शादी रहता है वहीं पे खाना खाया जाता है. तो हम लोग सभी गए और फिर हम लोगों ने खाया खाना. और यहाँ हम लोग की बीद के निकलने की तैयारी हो चुकी थी, सब कुछ रेडी हो चुका था. अब हम लोग जस्ट निकलने ही वाले थे. ये थी मेरी मामी सास ऑरेंज साड़ी में, देख सकते हैं. और यहाँ हम लोग सभी निकल चुके हैं बीद के लिए. काफ़ी शाम हो रहा था फ्रेंड्स. और यहाँ हम लोग सभी को, आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा हम लोग सभी कैसे लग रहे थे. और हम लोग खूब इंजॉय किए, क्योंकि शादी में ही हम लोग सब एक साथ एक जगह मिलते हैं और कभी हम लोग मिल ही नहीं पाते हैं. दूसरे जगह जा रहे थे बीद के लिए. और ये दुर्गा माँ का मंदिर था जहाँ पे पूजा करना था. और यहाँ काफी शाम हो चुका था फ्रेंड्स, देख सकते कितना खूबसूरत नजारा था. और यहाँ फिर से हम लोग पूजा किए. जितने भी मंदिर रहते हैं सब में पूजा करना रहता है. और ये थी हम लोग की लास्ट बीद, जिसमें दाल धोया जाता है कुएं से पानी निकाल के, जो मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी. मैंने तो कभी किया ही नहीं, तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था फ्रेंड्स. आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताए हुए कि आप लोग के साइड कौन सा बीद होता है और ये बीद होता है कि नहीं, ज़रूर कमेंट करिएगा. और यहाँ पे सारी बीद ख़त्म हो जाने के बाद फ्रेंड्स हम लोगों ने खाया खाना. खाना काफ़ी टेस्टी था. और आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा. थैंक्स.